रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली बोलना है, कॉमन सेंस कितना देगा? तो मैं नहीं पता, मैं ये दसो तो केड़ा जानदार है जिन्हों अपनी मौत तो पहले अपनी मौत का पता होता? मैनू पता मेरी मौत कदों आनी। अच्छा मैनू दसो तुहाडी मौत कदों आनी? ईद तो बाद। जोर से जल्दी जल्दी पांच बार। पांच बार? दो बार ही गाऊंगा यार। पांच बार यार मैंने वो कौन सा जानवर है जिसे अपनी मौत का पहले से पता हो? सर इसका आइडिया नहीं है, अगर आप बता देंगे तो हमारे लिए इन फ्यूचर आइडिया दिमाग में आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अमीर रंग के साथ आपका मेजबान नादिर पिदावी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन हम आज मौजूद हैं मुल्तान चौकी नंबर 6 पे और यहाँ पर मौजूद तालिब इल्मों से और यहाँ पर मौजूद शहरों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो साल 2021 है उनका वो कैसा रहा है। इसी हवाले से उनसे हम ये भी जानेंगे यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं तलबा हैं उनकी जो कॉमन सेंस है वो कितना तेज है, इस हवाले से उनसे कॉमन सेंस के कुछ सवाल भी करेंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद आई है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनकी कॉमन सेंस कितना तेज है। जी क्या नाम है? हमजा अब्दुल खादिर। हमजा अब्दुल खादिर? हमजा नहीं, हमजा नहीं। अच्छा हमजा आप बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कितना तेज है? कॉमन सेंस मतलब यार समझ नहीं। कॉमन सेंस कितना तेज है? छठी है जिसको हम कह सकते हैं। छठी एक्स्ट्रा। अच्छा आप करते क्या? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास? सेकंड ईयर के पेपर में है। हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता हो? कौन सा जानदार जिसको मौत से पहले मौत का पता हो? नहीं इधर नहीं इस बारे में। अच्छा जनरल नॉलेज का सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? गर्दन नहीं मोड़ सकता, पहला सवाल है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसे हम जितना भी ठंडा कर लें वो हमेशा गर्म ही रहता है? आम। आम को फ्रिज में रखने से ठंडा हो जाता है। अच्छा आप पांच बार जोर से जल्दी जल्दी कच्चा पपीता पक्का पपीता? कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा ऐसे ये आप थोड़ा सुनो चीनिंग कर रहे हैं। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। नहीं नहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली बोलना है, अनस्टॉपेबल बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता नहीं पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पपीता क्यों बोलते हैं? पपीता पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, आइए गुफ्तगू करते हैं इनसे और देखते हैं इनकी कॉमन सेंस कितना तेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? स्टडी करता हूं। स्टडी करते हैं? कौन सी क्लास? फार्मेसी में। फार्मेसी में कौन से ईयर? जी कौन से ईयर? कौन सी ईयर? कौन से ईयर मतलब फार्मेसी जो कर रहे हैं आपका कौन सा साल है फार्मेसी में? पहला साल है अभी। पहला साल कौन से इंस्टीट्यूट से? इधर है रिम्स कॉलेज में। अच्छा आप मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता हो? चमगादड़। जानवर नहीं जानदार, उकाब। जानदार उकाब तो जानदार है, उकाब है। अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सी चीज है जिसे हम जितना भी ठंडा कर ले वो हमेशा गर्म ही रहती है? गर्म मसाला। कहाँ पड़ा है ये बात है? गर्म मसाला है। कैसे आप गर्म मसाला है उसको जितना भी ठंडा करें रहता तो गर्म नाम तो गर्म। अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? गर्दन नहीं मोड़ सकता जराफा, वो तो नीचे नहीं कर सकता। आप जानदार कोई और सकते कोई जानवर और? ये नहीं आता और बुझना ये नहीं आता। अच्छा आप पांच बार जोर से कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, जल्दी क्विकली क्विकली, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, रुकना नहीं है, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। पीको का काम कर तो कॉमन सेंस कितना देगा? ऐ तो मैंने नहीं पता गाड़ी जर्मन वाली कम दे ऐ तो फिर भी नहीं पता दोबारा नहीं पता। इसी मैंने ये दसो वो केड़ा जानदार है
जिन्हों अपनी मौत तो पहले अपनी मौत का पता हों मैं पता मेरी मौत कद मैं दस थोड़ी मौत कदों आनी ईद तो बाद लेकिन आप मुझे मेरे सवाल का प्रॉपर जवाब दें कि वो कौन सा जानदार है कुछ मदन सारा दसा या फिर मेरा तो मदन पंजाबी टोटल दवा का केड़ी ज्यादा देना चल कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता होता है इंसान यार कैसे पता होता है आपको पता है मौत मैं मेरी मौत का नहीं पता यार कह सकते हो कि इंसान नु पता होता पुछ के दसांगा दसांगा जानदार है जिन अपनी मौत का पता होता यार ना कर यार तांगे यार मैं पूछ के दसांगा अच्छा तुसी मैनू हुणे दसो वो कौन सा जानदार है जानवर है जो सवाल पूछे ना मैनू पता सौखा ही है वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ मैं क्या वो केड़ा जानवर है जरा अपना मतलब उसकी जो गर्दन है वो नहीं मोड़ गर्दन नहीं मोड़ सकता नहीं पता मैंने भी नहीं पता यार उन्होंने भी नहीं पता पता मैंने भी नहीं अच्छा अच्छा आप पांच बार जोर से कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता जोर से जल्दी जल्दी पांच बार ही जी दो बार ही कहा पांच बार यार मान देख तो इन सवाल पूछे मैं दो बार ही कहा कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता तीन बारी पूरा दो बारी हुआ नहीं एक बारी फिर क्यों यार ऐ तो बेईमानी है यार बेईमानी सी कच्चा पपीता पक्का पपीता तीन बारी पूरा हो गया वीरे दो बारी हो गया ओ यार वीरे पास सर आप तीन बार तीन बार कच्चा पपीता पक्का पपीता एक कच्चा पपीता नहीं ऐसे नहीं रुकना नहीं है कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता याद रखी मैं कितनी बारी गया कच्चा पपीता पक्का पपीता ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कच्चा पपीता पक्का पपीता यार और मेरी जिन्नी स्पीड है मैं उन्ना कहना नहीं नहीं हमारी स्पीड में कहना कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता जिंदगी का हर सुख हर आसाइश बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है अच्छा नजर आने की चाहत ऊंची उड़ान की चाहत अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से मेरे घर ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे जदीद आर्किटेक्ट और बैन अल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद मोटरवे GT रोड और CPAC के संगम पर वाके पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट किड्स प्ले लैंड 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज दिलकश दीदा से और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 and 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस बैन अल-अक़वामी मायार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल हेल्थ क्लब ओपन एयर रेस्टोरेंट्स
बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की महाना आसान आसान कॉन्टैक्ट 0337777700 मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद अ प्रोजेक्ट ऑफ J7 ग्रुप J7 इंपोरियम अ स्मार्ट चॉइस क्या नाम है अजहर हुसैन भाई अजहर भाई आपने ये बताया कि कंप्यूटर साइंस कितना तेज है नॉर्मल ही है नॉर्मल और जनरल नॉलेज वो भी नॉर्मल है अच्छा आपने ये बताया वो कौन सा जानवर है वो दिन मर रहे हैं भाई गरम मसाला कहाँ से पड़ा डायरे से पड़ा किस टाइम नाम नहीं पता मालूमात मिली है अच्छा 5 बार जोर से कच्चा पपीता पक्का पपीता 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम शहजाद अहमद शहजाद क्या करते हैं स्टडी कौन सी क्लास बीएस सेकंड ईयर अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सा आप पहले मुझे आप कॉमन सेंस कितना दे नॉर्मल है और जनरल नॉलेज नॉर्मल है अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता होता है कभी नहीं पड़ा नहीं अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता मेंढक कहाँ पड़ा है पड़ा तो कहीं नहीं फिर कैसे पड़ा आइडिया मतलब कैसे आइडिया लगा है वो आइडिया मुझे तो ताकि मैं भी ऐसी किसी चीज का आइडिया लगा लूं आइडिया ज़हन से आता है और कहाँ से आता है मतलब जिस तरह जब ज़हन में आइडिया आया जिस तरह से आता है अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कौन सी वो चीज है जिसे हम जितना भी ठंडा कर लेना वो गर्म ही रहता गर्म मसाला कैसे पता नाम से भी जहर है गर्म मसाला उसे जितना भी फ्रीज करे ना वो ठंडा ठंडा ही रहेगा वो गर्म ही रहेगा सॉरी गर्म लेकिन वो ठंडा तो हो जाता है नहीं नहीं तो फ्रिज में रख के मसाला कहते हैं जी नाजी तो हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारे सवाल के क्या जवाब देते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम मोहम्मद उमर उमर मोहम्मद उमर क्या करते हैं सर मैं स्पोर्ट्स की शॉप पे जॉब करता हूँ अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत का पहले से पता हो सर इसका आइडिया नहीं है अगर आप बता देंगे तो हमारे लिए इन फ्यूचर आइडिया दिमाग में आ जाएगा अच्छा आप ये बताओ कौन सा जानदार है जो की गर्दन नहीं मोड़ सकता सर मेरे ख्याल से तो कछुआ है कैसे वो अंदर गिर जाता है गर्दन को लेकिन वो पीछे देख नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है पीछे नहीं देख सकता ना वो लेकिन वो आपने आगे देख सकता है पीछे नहीं देख अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी चीज है जिसे हम जितना भी ठंडा कर ले वो हमेशा गर्म ही रहता है गरम मसाला ये भाई ने आपको बताया लेकिन आप मुझे एलाबोरेट करें ना सर आप ये देखिए ना अब एक चीज है जिस तरह आप भाई से पूछा कि कच्चा पपीता वो सही है आपने उसको पजल किया लेकिन ये है कि जिस तरह का नाम है गरम मसाला अब जो भी उसको बुलाएगा ठंडा मसाला तो कह नहीं सकता ना गरम मसाला ही कहेगा इसलिए उसका नाम ही गरम मसाला है उसे गरम ही कहेगा ये तो कहेगा फ्रिज में रखा हुआ है ना उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप जाएं फ्रिज में ठंडा गरम मसाला रखा है वो लेके आओ ये कहेंगे गरम मसाला रखा है ठंडा किया हुआ उसको लेके आओ आप ये नहीं कहेंगे ठंडा मसाला गरम लेके आओ ये नहीं कहेंगे अच्छा आप 5 बार जोर से कच्चा पपीता पक्का पपीता और मतलब रैपिडली स्पीडली बोलो कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता वाल सलाम क्या नाम इनामुल्ला खान इनामुल्ला खान क्या मैं फार्मर हूँ फार्मर हो अच्छा आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता गेंडा नहीं क्या गेंडा बताओ ना आप गेंडा गेंडा चले अच्छा आप मुझे ये बताए तो वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता होता है मुझे तो मेरे साथ नहीं पता क्या नहीं पता आप मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज है जिसे हम जितना भी ठंडा कर लेना वो हमेशा गर्म ही रहता है माखी क्या माखी 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 क्या शायद इतना ठंडा अगर उसको ठंडा कर ले वो ठंडी तो हो जाता है मतलब जमता नहीं है फ्रीजर के अंदर रख दे किसी चीज ठंडा तो हो जाता है ठंडा हो जाता है वो चीज बताएं जो मतलब जितना भी हम ठंडा कर लेना हमेशा गर्म ही रहता नहीं है नहीं गर्म मसाला के लिए गर्म गर्म हो जाता है कोई और चीज नहीं पता अच्छा 5 बार जोर जोर से बोले कच्चा पपीता पक्का पपीता
और बड़ा मैं एक कोविड ब्लॉग कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का। हमारे साथ मौजूद है एक और शहरी, अपनी बिजली का सिलसिला जारी रखते हैं और इनसे जानते हैं कि कॉमन सेंस कितना तेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रुस्तम खान। रुस्तम खान क्या करते हैं? मैं सर जमींदार हूँ, फार्मर। अच्छा आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ता? पिग, जो जिसको हम सुअर कहते हैं, वो नहीं मोड़ सकता। कहाँ कहाँ? उसकी जो गर्दन होती है उसमें कोई बैंड नहीं होता। कहाँ पे पड़ा? ये जंगल में होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार जिससे अपनी मौत से पहले अपनी मौत का पता होता है? इंसान है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि मैंने मरना है। वो तो है, उसको ये भी पता था मैंने इस दिन मरना है। तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई जानवर नहीं है जिसको बताओ, इल्म अल्लाह के पास ही है, ये गैब के इल्म। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना लोगों का काफी सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला सवाल था कि वो कौन सा जानदार है जिससे अपनी मौत का पता होता है। तो लोगों को नहीं था पता, काफी सारे लोगों ने गलत जवाब भी दिए हैं, काफी सारे लोगों को कहना था कि ऐसा कोई जानदार ही नहीं है जिससे अपनी मौत का पता, क्योंकि मौत का खालिक और मालिक अल्लाह है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि सजाए मौत का जो कैदी होता है ना, उसको अपनी मौत का पता होता है क्योंकि जो अदालत होती है वो उसको सेंटेंस कर चुकी है कि इस दिन इसको फांसी देनी है और इस दिन इसकी मौत आनी है, तो वो उसको पता होता है कि उसकी मौत कब आनी है। तो इसी तरह हमारा दूसरा सवाल था, वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? उसमें भी लोगों को नहीं था पता, तो वो मेंढक ऐसा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। हमारा तीसरा सवाल था, वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर हम मतलब ठंडा करें तो तब भी वो गर्म ही रहते? तो काफ़ी सारे लोगों को इस सवाल का जवाब पता था, तो वो था गर्म मसाला, क्योंकि उसमें लफ्ज गर्म यूज है तो इस तरह से वो हमेशा गर्म ही रहता है। तो नाज़रीन इसी तरह हमने लोगों से ये भी जाना कि उनका साल 2021 कैसा गुजरा था और 2022 के हवाले से क्या ख्वाहिशात हैं। तो लोगों कह रहे थे जो 2021 था हमारा वो महंगाई में गुजरा है और कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो बिजनेस थे वो काफ़ी सारे मतलब फ्लॉप रहे और हमें कोई खातर खा फायदा नहीं दिया गया, और हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करें। इसी तरह से लोगों को कहना था 2022 जो हमारा है तो इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतरी का साल होगा हमारे लिए और अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी फरमाएंगे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादिर पिताफी को कैमरामैन सुशैन हैदर के साथ।